मैंने ना बहुत से लोगों को राइड करते हुए देखा है जो लद्दाख या फिर इसी तरह की कोई लंबी राइड करते हैं, तो वो अपना जो लगेज सेटअप है उसमें कई लोगों ने बैग बांधे हुए हैं और फिर उसके ऊपर पॉलीथीन बांधी हुई है या फिर तिरपाल बांधा हुआ है, तो उसमें ना वो एक तरीके से कई ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं कि राइड कम और फिर वहां पे जो है आपकी पूरी जो वही राइड है वो सजा बन जाती है, फिर मजा नहीं आता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वाइट एरा आप लोगों के लिए लेके आया है 40 लीटर का ये ड्राई बैग है और इसी में एक 55 लीटर का ड्राई बैग भी आता है। सो खमागणी दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे, मेरा नाम है अंकुर शेखावत और आज अपन इस वीडियो में इसी बैग के बारे में, क्यों ये लेना चाहिए आपको, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो बातें करते करते ही मैंने अनबॉक्स तो कर ही दिया है। इसके अंदर एक शोल्डर की स्ट्रैप आ जाती है, डफल बैग वाली स्ट्रैप आ जाती है और ये बंजी कोर्ड्स आ जाती हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी है लगाना और हटाना, उनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। जो भी सामान दिया है ना वाइट आरा ने, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया दी है और ना बैग की ओपनिंग जो है काफी बड़ा है, तो आपका सामान जो है अंदर रखने में कोई समस्या नहीं आएगी। और पैसे की बात करें ना तो 4,899 रुपए का ये ड्राई बैग आता है। 55 लीटर वाला लेना चाहते हैं तो वो 5,699 रुपए का आएगा। आप अगर कोई डफल बैग भी लेने जाओगे तो 2,500-3,000 से कम का तो अच्छा बैग आता भी नहीं है और फिर उसमें आप उसको बाइक पे अच्छे से बांध नहीं सकते हो, वो समस्या आपको यहाँ नहीं मिलेगी। थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा बट वो जस्टिफाई करता है। 100% वाटर प्रूफिंग के लिए ना आपको इस तरीके से इसको 3 बार फोल्ड भी करना रहेगा तभी जाके जो है ना एकदम ये वाटर प्रूफ हो पाएगा। और बैग को बंद करने के लिए ना यहाँ पे एक एयर वॉल भी दिया गया है ताकि हवा अंदर की बाहर निकल जाए, इजीली जो है आपका बैग जो है अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो छोटी छोटी चीजों का ना बड़े अच्छे से ध्यान रखा गया है। और जब बारिश नहीं आ रही हो तो इस तरीके से भी आप बैग को यूज कर सकते हो, फुल ऊपर तक भर लिया, सामान को इस तरीके से बंद करके लेके जा सकते हैं। एक और चीज मुझे ना बड़ी अच्छी लगी, देखो 100% तो वाटर प्रूफ है ये बैग, रेन कवर वगैरह इस तरह का लाइनर वगैरह जो है ना कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिपल लेयर वाला वाटर प्रूफ फैब्रिक यहाँ पे यूज किया गया है जिसको अल्ट्रासोनिक सीम के थ्रू वेल्डिंग किया गया है, वो टेक्नोलॉजी वाइट एरा ने इसमें यूज करी है। चाहे कितनी ही बारिश हो रही हो बट उस हर बारिश के अंदर जो है ना आपका सामान इसके अंदर ड्राई रहेगा। इस बैग का ना ड्राई वेट भी 1 किलो 400 ग्राम ही है, तो कोई ऐसा भारी बैग भी ये नहीं है। इस बैग के साथ में ना इजिली आप फ्लाई भी कर सकते हैं फ्लाइट वगैरह में और बाइक पर तो बांध ही सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि एयरलाइन के जो लगेज डायमेंशन होते हैं उनको ये अच्छे से मीट करता है, उसी डायमेंशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। बैग के सभी तरफ जो है काफ़ी सारी हुक दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से जो है अपना लगेज जो है बांधते वक्त या इसके ऊपर कोई दूसरा बैग बांधना हो तो उसमें जो है आपको काफ़ी अच्छी सुविधा मिल पाए। डफल बैग वाली स्ट्रैप्स भी जो है साथ में आती हैं, तो जब आपको जरूरत हो तो स्ट्रैप्स निकाल के आप डफल बैग बना के भी इसको लेके जा सकते हैं। इसके साथ में बैकपैक वाली स्ट्रैप्स भी आती हैं, कहीं पे ट्रैकिंग करनी हो तो इसमें बैकपैक वाली स्ट्रैप्स भी दी गई हैं, तो अपने कंधे पे बैग को टांगो और आराम से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और कुछ ऐसा जो है बैग लगता है, बैग में डुअल बॉटम लेयर आती है ताकि आपका जो बैग है काफी लंबे समय तक ये चल सके। अब लेके चलते हैं इसको बाइक पे, कितना इजी है इसको बांधना वो भी एक बार अपन देख लेते हैं। बाइक लगेज के अंदर ना काफी सारी स्ट्रैप्स दी गई हैं, तो ये स्ट्रैप्स में कुंदे भी बने हुए हैं और हुक भी दिए गए हैं, प्लग इन और प्लग आउट वाला सिस्टम रहता है, तो बड़ा इजी है बाइक पे लगेज को बांधना भी। वाकई में 2 ही मिनट का काम है इसको बाइक पे बांधने का, एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि कितना इजी प्रोसेस है बाइक पे इसको बांधने का। बस प्लग इन ही करना है और बैग जो है बाइक पे बंध जाता है। अब इसकी जगह पे अगर रस्सी होती तो कितनी ज्यादा समस्या आपके सामने आती वो बात जो है ना एक राइडर ही समझ सकता है। और बैग की हर स्ट्रैप्स में ना कुछ इस तरीके से ये भी दिए गए हैं ताकि ये स्ट्रैप जो है ना उड़े नहीं जब आप बाइक राइड करते हैं। अब बात करते हैं इस 22 लीटर के पॉड बैग की, ये भी 100% वाटर प्रूफ के साथ में आता है और ये इसका काम ऐसा है कि जब आप राइड कर रहे हो उस टाइम में कुछ ऐसी चीजें जल्दी से निकालनी हो उसके अंदर रखनी हो तो क्विक एक्सेस करने वाली जो चीजें होती है ना वो आप इसमें रख सकते हैं और पूरा बैग नहीं खोलना पड़ेगा, इसी को खोल के इसके अंदर से आप निकाल सकते हैं। ये भी 100% वाटर प्रूफ है, भीगने वीगने की ऐसी कोई समस्या होगी नहीं। अब इसके अंदर बहुत बढ़िया सिस्टम दिया गया है कि ये जो चीज है ना ये यहाँ से हटा सकते हैं और हटाने के बाद में आप इसको कई तरीके से बाइक पे फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो दिखा देता हूँ मैं कि जैसे कि ये अभी इसी के ऊपर रखा हुआ है और इसी पे आपको अटैच करना है, तो आप इस बैग को यहाँ पे आप रख के और चाहे तो आप बंजी कॉर्ड यूज कर सकते हैं, बट अगर वो झंझट नहीं चाहते हैं ना तो इस बैग में क्या है कि ऑलरेडी से वाइट एरा ने जो है काफी सारे स्ट्रैप्स दिए हैं, तो जो ये वाली स्ट्रैप्स हैं इनके थ्रू भी आप बांध सकते हैं, और अगर ये नहीं चाहते हैं तो जो ये वाली स्ट्रैप्स दी गई हैं वाइट एरा की तरफ से दी हुई इनके थ्रू भी आप इसको अटैच कर सकते हैं इसके। तो एक बार क्विकली कर लेते हैं,
जैसे कि ये आपने लिया और इसके लिए जो है यहाँ पे काफी सारे हुक दिए हुए हैं, इनके अंदर डालो और कुछ इस तरीके से ये बंध जाती है यहाँ पे। तो ये इसके अंदर मैंने बांध दिया, तो एक तरीका तो ये हो गया। अब यहाँ से भी कहीं नहीं जाएगा, और अब चाहे तो थोड़ी ज्यादा सेफ्टी चाहिए आपको, तो जो बंजी कोड थी आप उनको और बड़ी करके एक्सटेंड करके और इसी को ऊपर से बांध दीजिए। तो ये जो है एक ज्यादा सेफ और बहुत ही सुंदर दिखने वाला ना सेटअप बन जाता है। तो ये एकदम नीट एंड क्लीन ना सेटअप तैयार हो गया। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। तो एक तरीका ये हो गया, और इसके अलावा ना इसको बांधने के दो तरीके और वो भी दिखा देता हूँ। अब इसको हटाते हैं। इस बैग में ना ये यहाँ पे हैंडल दिया गया, तो आप ऐसे इसको भी कैरी करके भी ले जा सकते हैं, तो बहुत ही सही तरीका है। अब इस बैग को हटाते हैं यहाँ से। इसमें क्या है कि स्ट्रैप दिए हुए हैं ना, तो इनको आपको इस तरीके से रखना है बाइक के पीछे की तरफ, और इसमें से लेते हुए तो इसमें से जो है इनके अंदर से निकालना है, और ये यहाँ पे बंद हो गया। और देन आप इसको जितना इच्छा हो अपने हिसाब से टाइट कर सकते हैं। देन ये वाली स्ट्रैप्स भी दी है, तो इससे आप इसको एकदम सील कर सकते हैं। ये जो चीजें है ना बड़ा इजी जो है आपका सेटअप बना देती है। इस तरीके से बंद गया, और इसके बाद में आपको बस स्ट्रैप्स को टाइट करना है और ये बैग कहीं नहीं हिलेगा। और रियर की तरफ ना यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं, तो अगर कहीं आप रात वात में चल रहे हैं तो उस जगह में आपका ये अच्छे से दिख भी जाएगा। तो ये बैग जो है ना, जैसे छोटी मोटी जो संडे राइड होती हैं उनके लिए छोटा मोटा सामान ले जाने के लिए बहुत बढ़िया है। और इस तरीके से आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। दूसरा तरीका जो है इसका ये भी है कि अब ये इसकी जो स्ट्रैप्स है नीचे से ये डिटेचेबल हो जाती है, तो आप इसको हटा के और जो सीट है बाइक की इसको भी आप हटा सकते हैं। आप इसको भी यहाँ पे रख के और इसके बाद में यहाँ रख दीजिए, और अगेन जो सीट है वापस लगा दीजिए, और फिर वापस इसको अगर आप सिंगल राइड कर रहे हैं तो इस तरीके से ये अगेन आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे और इजी तरीके हैं इस बैग को बाइक से अटैच करने के। और वाकई में यार, जैसे मैं भी बहुत बार राइड पे जाता हूँ तो बहुत परेशान होता हूँ, जैसे पानी की बोतल ले जानी है या फिर कुछ छोटा मोटा खाने पीने का सामान छोटी मोटी राइड्स पे लेके जाना होता है ना, तो उसमें ऐसा बैग मिल जाएगा एकदम परफेक्ट रहेगा इस तरह की राइड के लिए, और कहीं पे भी जो है ये दिक्कत नहीं आने देगा आपकी राइड में। तो कुछ इस तरीके से आप इस बैग को लगा सकते हैं। प्राइस की बात करें ना, तो ये वाला बैग 2299 रुपए का आता है, और इन दोनों बैग्स का, इस पॉड बैग का और इस बैग का, दोनों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके दोनों बैग्स को परचेज कर सकते हैं। तो बाइक पे सारा लगेज मैंने बांध लिया है, और कुछ ऐसी बाइक दिखती है। और काफी ऐसे राइडर हैं जिन्हें अपनी बाइक पे टॉप बुक्स लगाना पसंद नहीं है, तो उन लोगों को तो ये बैग जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि अपन राइड करते हैं मन की शांति के लिए, और ये ऐसी चीजें हैं जो उस तरीके की राइड्स को बड़ा ही आसान बना देती हैं। तो सारा उद्देश्य जो था इस वीडियो को बनाने का यही था। तो आज की वीडियो को फिर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।